Hello everyone and welcome to the next lecture on linear transformations. Today we are going to discuss singular and non-singular transformations. Now what is a non-singular transformation? If T from U to V is a linear transformation and U and V are vector spaces over the same field F, then this linear transformation T from U to V is said to be non-singular if only 0 of U match to 0 of V. That means 0 of U is the only vector whose image under T is 0 of V. देखो आपको पता है कि if T is a linear transformation तो जो U की 0 होगी उसकी image V की 0 के equal होगा under this linear transformation T. But if it is the only vector, if 0 of U is the only vector whose image under this T is 0 of V, then that linear transformation is called as non-singular linear transformation. मतलब किसी non-zero vector की image 0 नहीं हो सकती. अगर आप capital U का कोई non-zero vector लेंगे तो उसकी image 0 vector के equal नहीं होगी. अगर ऐसा है तो that linear transformation is called non-singular linear transformation. या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि T of U is equal to 0 would imply U is equal to 0. ठीक है, तो अगर किसी इमेज किसी वेक्टर की इमेज 0 है तो दैट वेक्टर मस्ट बी 0 वेक्टर, वो नॉन जीरो नहीं हो सकता फॉर ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल राइट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U टू V इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ नल स्पेस ऑफ T ऑफ और कर्नल ऑफ T इज ए 0 स्पेस. बिकॉज नल स्पेस में वो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T 0 के इक्वल है. बट फॉर ए नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन ओनली 0 वेक्टर इमेजेस टू मैप्स टू 0 वेक्टर. तो U का जो 0 होगा सिर्फ उसकी इमेज V की 0 के इक्वल होगी, इसलिए नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट होगा और ये 0 एलिमेंट किसका होगा, वेक्टर स्पेस U का. So null space of T is a zero space. Now for example, example of non-singular linear transformation. So it's very simple example is identity transformation. Identity from suppose R3 to R3. So identity from R3 to R3 is defined as identity of X is equal to X for all X belonging to R3. तो R3 का आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी इमेज उसी सेम एलिमेंट के इक्वल होगी. तो इसमें देखिए कि अगर आप कोई जीरो एलिमेंट लोगे तो जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो के इक्वल होगी और नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो उसकी इमेज नॉन जीरो होगी. हैंस जीरो इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ R3 दैट मैप्स टू जीरो ऑफ R3. सो दैट मीन्स दिस इज ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी कम टू सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. अब सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसमें किसी नॉन जीरो वेक्टर की इमेज भी जीरो वेक्टर के इक्वल हो सकती हो. ऑलराइट, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेट टू बी सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वेक्टर यू बिलोंगिंग टू कैपिटल यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0 of V. For example, let us take 0 transformation. Suppose 0 is a transformation from R3 to R3 and it is defined as 0 of X is equal to 0 for all X belonging to R3. अब आप देखो under this linear transformation कोई 0 vector होगा उसकी image भी 0 होगी और कोई non-zero vector होगा उसकी image भी 0 होगी. सो यहाँ पर आपको नॉन जीरो वेक्टर्स मिल रहे हैं जिनकी इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस ओ इज 0 ऑफ R3. सो दैट मीन्स दिस इज ए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो हमारी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है और जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास. नेक्स्ट विल डू अ थ्योरम रिलेटेड टू नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. A linear transformation T from U to V is non-singular if and only if T is 1. तो हम ये प्रूव करेंगे
कि अगर टी कोई नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो वन वन होगी, और कन्वर्सली अगर कोई टी एक वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। ऑल राइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट टी इज़ ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस प्रूव इट। लेट टी बी अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, नॉट टी इज़ ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, सो नाउ हमने प्रूव करना है कि टी इज वन वन। सो लेट यू वन यू टू आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ वैक्टर स्पेस यू, देन कंसिडर टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू टी ऑफ यू टू, देन वी हैव टू शो दैट यू वन इज इक्वल टू यू टू। तो अगर हम टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू टी ऑफ यू टू लेकर चले और हम शो कर दें कि दिस इम्प्लाइज यू वन इज इक्वल टू यू टू, देन टी मस्ट बी वन वन। टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू टी ऑफ यू टू कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू वन माइनस टी ऑफ यू टू इज इक्वल टू जीरो, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज टी ऑफ यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ यू वन माइनस टी ऑफ यू टू कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू वन माइनस यू टू। नाउ बिकॉज टी इज नॉन सिंगुलर तो टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर टी ऑफ यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज टी इज नॉन सिंगुलर, एंड यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज यू वन इज इक्वल टू यू टू, एंड बिकॉज यू वन एंड यू टू वर आर्बिट्रेली चूजन, एंड टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू टी ऑफ यू टू इम्प्लाइज यू वन इज इक्वल टू यू टू, सो दैट मीन्स टी इज वन वन। ऑल राइट, तो इसका मतलब हो गया कि टी इज वन वन। तो अगर टी नॉन सिंगुलर है तो टी वन वन होगी। नाउ कन्वर्सली लेट टी बी वन वन। मान लीजिए टी हमारे को वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमने यहाँ पर शो करना है कि टी इज नॉन सिंगुलर। नाउ हाउ विल यू शो दैट टी इज नॉन सिंगुलर? तो टी नॉन सिंगुलर शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि सिर्फ जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो के इक्वल है। इसके लिए हम ये भी शो कर सकते हैं कि नल स्पेस जो है दैट कंटेन्स ओनली द जीरो वैक्टर। सो हम क्या करते हैं, हम u मान लेते हैं कि नल स्पेस ऑफ t का एक आर्बिट्री एलिमेंट है। तो अगर u नल स्पेस ऑफ t में बिलोंग करता है तो इसका मतलब t ऑफ u इज जीरो, एंड जीरो कैन ऑल्सो बी रिटन एज t ऑफ जीरो। ऑल राइट, जीरो कैन ऑल्सो बी रिटन एज t ऑफ जीरो बिकॉज इफ t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन t ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो ओनली। Now t of u is equal to t of 0 implies u is equal to 0. Why? Because t is given to be 1, 1. So agar u null space of t ka koi ek arbitrary element hai, to humne prove kar diya ki u 0 vector ke equal hai. Hence null space of t contains only the 0 vector. To iska matlab kya ho gaya? Ki null space of t has the 0 vector only. एंड अगर ये हो गया तो इसका मतलब टी इज नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वन वन होगी, और जो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स टू लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर। तो देखिए, जो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन है, और हमने ये रिजल्ट वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स की इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, और लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स की इमेज लीनियरली डिपेंडेंट होती है। ऑल राइट, सो यू कैन प्रूव दिस थ्योरम वेरी वेल। वी हैव डन दिस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम अर्लियर। ओके, बस यहाँ पर सिर्फ हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड देन यू कैन वेरी इजीली प्रूव दिस थ्योरम। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम हियर।
थ्योरम है, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इफ यू ओवर द फील्ड एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन यू एंड आर टी हैव द सेम डायमेंशंस इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस यू और रेंज स्पेस ऑफ टी जो है दे हैव द सेम डायमेंशंस इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। अगर यू और आर टी की डायमेंशन सेम है तो हमें प्रूव करना है कि टी इज़ नॉन सिंगुलर, और अगर टी नॉन सिंगुलर है तो हमें प्रूव करना है कि यू और आर टी की डायमेंशंस सेम है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट डायमेंशन ऑफ यू एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी आर इक्वल। मान लिया कि इन दोनों की डायमेंशन सेम है। नाउ वी हैव रैंक नलिटी थ्योरम। व्हाट इज रैंक नलिटी थ्योरम? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। सो दिस रिजल्ट वी हैव बाय रैंक नलिटी थ्योरम। ओके, सो नाउ डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ यू आर इक्वल। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू माइनस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। बट यू और रेंज स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी विल गेट दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब नल स्पेस ऑफ टी जो है वो एक जीरो स्पेस है। एंड नल स्पेस ऑफ टी इज जीरो होने का मतलब टी इज नॉन सिंगुलर। सो इफ यू एंड आर टी हैव द सेम डायमेंशन देन टी मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस वी हैव वेरी इजिली प्रूव विद द हेल्प ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। नाउ कन्वर्सली लेट टी इज नॉन सिंगुलर। अब हमें दिया हुआ है कि टी इज नॉन सिंगुलर एंड वी हैव टू शो दैट यू एंड आर टी हैव द सेम डायमेंशन। नाउ टी इज नॉन सिंगुलर का मतलब नल स्पेस ऑफ टी इज जीरो स्पेस। नल स्पेस ऑफ टी इज सिंगलटन सेट जीरो, दैट इज ए जीरो स्पेस। एंड जीरो स्पेस की डायमेंशन हमेशा जीरो होती है, सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अगेन बाय रैंक नलिटी थ्योरम डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। बट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज जीरो, सो देयर फोर वी हैव डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u. That's what we had to prove. So both the parts of this theorem can very easily be proved with the help of rank nullity theorem as I have just explained to you. So if u and rt have the same dimension then t is non-singular, and conversely if t is non-singular then dimension of u must be equal to dimension of rt. So now we will discuss one more theorem here. A linear transformation T from Rn to Rm given by y is equal to ax. So ये transformation आपको दी हुई है y is equal to ax. That means T of x जो है that is equal to y, और y जो है that is equal to ax. All right. So you have to show here a linear transformation T from Rn to Rm given by y is equal to ax is non-singular if and only if the matrix of transformation is non-singular. ओके, सो टी एक्स इज इक्वल टू वाई को अगर हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें वाई इज इक्वल टू ए एक्स, तो आपने प्रूव करना है कि टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर होने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। सो लेट टी बी अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हमने मान लिया कि टी इज जो है वो एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमने प्रूव क्या करना है ए इज नॉन सिंगुलर। बट सपोज टू द कॉन्ट्रेरी दैट ए इज सिंगुलर। मान लिया कि ए सिंगुलर है, टी तो नॉन सिंगुलर है बट जो इस टी का जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड है ए, वो मान लिया हमने कि वो सिंगुलर है। नाउ इफ ए इज सिंगुलर देन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम लिखें, सो देन दिस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो मस्ट हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन।
हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दैट इज सपोज दैट सॉल्यूशन इज एक्स वन, सो ए एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस सिस्टम हैज़ ए नॉन जीरो सोल्यूशन, और उस नॉन जीरो सोल्यूशन को हमने एक्स वन मान लिया, सो एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एंड ऑल्सो ए इंटू जीरो जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आएगा। सो ए एक्स वन इज जीरो, ए जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो दैट मीन्स ए एक्स वन इज इक्वल टू ए जीरो। ए एक्स वन इज इक्वल टू ए जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ एक्स वन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड इमेज ऑफ जीरो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेम एंड टी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने का मतलब टी वन वन भी है, बिकॉज हमने प्रूव किया है कि एवरी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन। नाउ टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो इम्प्लाइज एक्स वन इज जीरो। वाई? बिकॉज टी बींग नॉन सिंगुलर इज वन वन, सो दिस एक्स वन इज जीरो, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एक्स वन को तो हमने नॉन जीरो लिया है। सो एक्स वन इज ए नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ से एक्स वन हमारे पास जीरो आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था ए इज सिंगुलर। सो हम लिखेंगे हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया वो गलत है, और इसका मतलब ये हो गया कि ए मस्ट भी नॉन सिंगुलर। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स ए होगा दैट मस्ट ऑल्सो भी नॉन सिंगुलर, वो भी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब कन्वर्स पार्ट हम इसका करते हैं। कन्वर्सली हमारे पास ए जो है दैट इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, और हमने प्रूव करना है कि टी इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू शो दैट टी इज नॉन सिंगुलर। तो टी को नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि टी इज वन वन। सो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर एन, ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए और मान लिया कि टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू। नाउ टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, एंड बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आई कैन प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स वन, दैट इज ए इनवर्स ए इंटू एक्स टू, ए इनवर्स ए इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स वन इज एक्स वन, एंड हेयर इट इज एक्स टू ओनली। सो टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो टी इज वन वन। बिकॉज हमने एक्स वन और एक्स टू को आर एन के कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे, और एक्स वन टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी एक्स टू हम लेकर चले, तो हमने प्रूव कर दिया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, हैंस टी इज वन वन, एंड टी इज वन वन इम्प्लाइज टी इज नॉन सिंगुलर। ऑल राइट, सो इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन टी इज नॉन सिंगुलर, एंड कन्वर्सली इफ टी इज नॉन सिंगुलर देन मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, गिवन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर दिस मैट्रिक्स ए इज 110, 231, -235। सो हेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू 110, 231, -235, एंड यू हैव टू शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब होगी, वेन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर। तो जैसे हमने अभी हमने पिछली थ्योरम में किया कि अगर मैट्रिक्स एसोसिएटेड नॉन सिंगुलर है
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी नॉन सिंगुलर होगी, तो अगर मैट्रिक्स एसोसिएटेड सिंगुलर है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंगुलर होगी। सो हेयर यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, ठीक है। सो दिस डिटर्मिनेंट हेयर इज इक्वल टू 1 इंटू 15 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 6, सो दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 12, दैट इज 0। हैंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर बिकॉज द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर। All right. So now let us do the next example. Here we have to show that this linear transformation t from R3 to R3 defined by t of xyz is equal to x plus z, x minus z and y is non-singular. So here t of xyz is equal to x plus z, x minus z, y. All right. So सपोज आई टेक कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो ऑफ आर थ्री। इसका मतलब एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स प्लस जेड इज जीरो, एक्स माइनस जेड इज जीरो एंड वाई इज जीरो। सो वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री वी हैव वाई इज इक्वल टू जीरो, and from equation number 1 and 2 we have x is equal to 0 and z is equal to 0. So I can say from equation number 1, 2 and 3 x is 0, y is 0, z is 0. That means इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एलिमेंट की इमेज मैंने 0 के इक्वल रखी थी वो एलिमेंट 0 वेक्टर के इक्वल है। So tx xyz is equal to 0 0 0 implies एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो 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 एंड दिस हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा कब होता है? जब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर होती है। हैंस द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, वी विल डू दिस एग्जाम्पल इन वन मोर वे। इसको एक तरह से और सॉल्व करते हैं। अगर हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को y इज इक्वल टू ए एक्स की फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पर हमारा y जो है उस y वेक्टर जो है y, यहाँ पर अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, एक्स माइनस जेड और y, और x हमारा हो गया x y z। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो यहाँ पर आपने वेक्टर लिखना है, जो मैट्रिक्स आपने लिखना है वो क्या होगा? इट विल बी 1 0 1, 1 0 माइनस 1, 0 1 0। सो द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 0 1, 1 0 माइनस 1 एंड 0 1 0। एंड यू कैन चेक दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, हैंस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नॉन सिंगुलर बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर एंड देयरफॉर द मैट्रिक्स एसोसिएटेड is non-singular implies that the linear transformation is non-singular. So now we will discuss one more example here. Show that the linear transformation t from R4 to R3 defined by t of xyz t is equal to 2x comma y comma z plus t is a singular transformation. So here t of xyz t is given to you 2x comma y comma z plus t. So this xyz t is an element of R4 and image of this element under the transformation t is an element of R3 given by 2x y z plus t. Now suppose t of xyz t is equal to 0, 0 of R3. So this implies 2x comma y comma z plus t is 0 0 0. Or you can say 2x is equal to 0, y is equal to 0, z plus t is equal to 0. This we can write as x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to minus t. So here
इफ आई टेक टी इज इक्वल टू माइनस वन देन जेड इज इक्वल टू वन एंड देन आई गेट दिस एलिमेंट 0 0 1 माइनस 1 एंड इमेज ऑफ दिस एलिमेंट 0 0 1 माइनस 1 अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मस्ट बी जीरो बिकॉज हमने इसको फाइंड ही ऐसे किया है. देखो 0 0 1 माइनस 1 की इमेज क्या होगी, 2 इंटू 0 इज जीरो, देन वाई इज जीरो, देन जेड प्लस टी, जेड इज वन एंड टी इज माइनस वन, तो जेड प्लस टी इज जीरो. सो दैट मीन्स वी गॉट अ नॉन जीरो वैक्टर, हमें एक नॉन जीरो वैक्टर मिल गया जिसकी इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जीरो वैक्टर के इक्वल है. दैट मीन्स टी नॉन सिंगुलर नहीं हो सकती, सो टी इज ए सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. So we got a non-zero vector of R4 that has image equal to 0 under the linear transformation T. So T is a singular linear transformation. So that's all for today's lecture. Thank you very much.